कोरोना को लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आई है। एक सरकारी पैनल की माने तो भारत ने कोरोना के पीक को पार कर लिया है और अगर हर तरह के एहतियात बरते गए तो फरवरी के अंत तक महामारी पर नियंत्रण भी पा लिया जाएगा। हालांकि पैनल ने ये भी कहा कि सर्दियों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, ऐसे में लापरवाही की वजह से कोविड केसों में उछाल भी देखने को मिल सकता है। IITs और ICMR से जुड़े सदस्यों ने ये स्टडी की है। स्टडी को इंडियन नेशनल सुपर मॉडल मैथमेटिकल मॉडल फॉर COVID-19 का नाम दिया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है जो उन्होंने लाहौर लिट फेस्ट में दिया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि थरूर ने न सिर्फ भारत का मजाक बनाया है बल्कि देश को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश भी की है। पात्रा ने कहा कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहती। इस दौरान संबित पात्रा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान में पहले ही हीरो बन चुके हैं। दरअसल थरूर ने लिट फेस्ट के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि भारत में मुसलमानों और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव होता है और भारत में एक दूसरे से डर का माहौल है। उन्होंने तबलीगी जमात का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना के समय मुसलमानों को परेशान किया गया। UPSTF ने बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी लखनऊ के जनेश्वर पार्क के पास से की गई है। पुलिस की 12 से भी ज्यादा टीमें उसे खोजने में जुटी थी। धीरेंद्र पर आरोप है कि एक पंचायत के दौरान उसने एक दूसरे व्यक्ति पर एक के बाद एक कई फायरिंग किए जिसमें उसकी मौत हो गई। जिस समय ये घटना हुई उस दौरान इलाके के SDM और CO समेत कई लोग वहां मौजूद थे। तब पुलिस के कुछ जवानों ने धीरेंद्र को पकड़ भी लिया था लेकिन बाद में वो भाग निकला। इस घटना की वजह से योगी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है क्योंकि धीरेंद्र BJP से जुड़ा है और क्षेत्रीय विधायकों के साथ साथ उसके कई नेताओं से संपर्क हैं। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर CM उद्धव को लिखी राज्यपाल कोश्यारी की चिट्ठी को लेकर पहले ही काफी बवाल हो चुका है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि कोश्यारी अपने शब्दों का सही प्रकार से इस्तेमाल कर सकते थे और इस तरह के शब्दों का चयन करने से बच सकते थे। उन्होंने कहा कि कोश्यारी ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल ना किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। दरअसल कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में मंदिरों को फिर से खुलवाने को लेकर CM को लिखी चिट्ठी में कोश्यारी ने तंज कसते हुए सवाल किया था कि आप अचानक से सेक्युलर हो गए हैं, जिस पर शिवसेना ने कड़ा विरोध जताया था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और CM ममता बनर्जी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। पुलिस हिरासत में BJP कार्यकर्ता मदन घोराई की मौत पर राज्यपाल ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को बलविंदर सिंह के साथ पुलिस ज्यादती पहले ही मानवाधिकार उल्लंघन का प्रतीक बनी हुई है। दरअसल हावड़ा में BJP कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प के दौरान एक सिख की पिटाई और पगड़ी उतारने का मामला सामने आया था। वहीं घोराई के केस में BJP का कहना है कि उसे पुलिस हिरासत में इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। इस मामले में पार्टी CBI जांच की मांग कर रही है। चुनाव के दौरान नेताओं की जुबान फिसलने की घटनाएं अमूमन देखने को मिलती ही हैं और इस बार जुबान फिसली है मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ की। उन पर आरोप है कि उन्होंने BJP की महिला प्रत्याशी इमरती देवी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कमलनाथ डबरा में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे लेकिन कुछ ऐसा कह गए कि हंगामा मच गया। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? CM शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार कर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के इस बयान से कांग्रेस की सामंतवादी सोच जग जाहिर हो गई है। राज्य में 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 10 नवंबर को आने हैं। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जयंत ने अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की बात की जानकारी खुद ही सबके सामने रखी। हाल में जयंत के साथ हाथरस में पुलिस ने बदतमीजी की थी जिसके विरोध में रालोद ने मथुरा में बड़ी पंचायतें बुलाई थीं। इन पंचायतों में कई बड़े नेताओं के साथ हजारों लोग आए थे जहां जयंत कई लोगों के संपर्क में आए थे। अब रिपोर्ट आने के बाद जयंत उन्हीं लोगों से कोविड की जांच कराने को कह रहे हैं जो उस दौरान उनके संपर्क में आए थे।
रविवार का दिन भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक रहा। डीआरडीओ की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक नेवी ने अपने स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस दौरान मिसाइल ने उच्च स्तरीय और बेहद जटिल युद्धाभ्यास के बाद लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता से मार गिराया। इस सफलता ने भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ा दिया है और अब समुद्र में लंबी दूरी पर मौजूद लक्ष्यों को भी भेदने में और अधिक सक्षम हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, ब्रह्मोस और भारतीय नेवी को सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए बधाई दी है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया गया है और इसकी रेंज 400 से 450 किलोमीटर तक है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण महीनों से घाटे में चल रहे दुकानदारों को फेस्टिव सीजन में अच्छी कमाई की उम्मीद है। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड समेत कई राज्यों के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौटी है। दिल्ली के लाजपत नगर और सरोजनी नगर मार्केट में भी शॉपिंग करते लोगों की भीड़ दिखी। लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन से जुड़े वीके गुप्ता ने कहा कि हमें एक अच्छे वीकेंड की उम्मीद है। माहौल अच्छा हो गया, हम लोग भूल गए करना भी कोई चीज है तो इसलिए लोग परचेजिंग कर रहे हैं, खुल के परचेजिंग कर रहे हैं, पब्लिक बहुत आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची के बाजारों में भी खरीदारों के आने से दुकानदारों को राहत तो मिली है लेकिन उन्हें अनिश्चितता का डर भी है। उम्मीद तो देखिए रहती है कि बाजार सुधरेगा और सुधरना भी चाहिए लेकिन अनसर्टेनिटी है। कोरोना काल में पुलिस ने बड़े स्तर पर लोगों की मदद की। अब दिल्ली पुलिस के एक जवान ने एक ऐसी मिसाल पेश की जिससे जानकर आप दिल से कहेंगे भाई वह क्या कहने। दिल्ली पुलिस में बतौर हवलदार अपनी सेवाएं दे रहे थान सिंह अपनी तनख्वाह से मजदूरों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। थान सिंह का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प दिया लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास कर पाने में असमर्थ हैं। इनके पास ना तो स्मार्टफोन है ना ही इंटरनेट की सुविधा। ऐसे में थान सिंह ने इन असहाय बच्चों के लिए लाल किले के साईं मंदिर में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई होती है। उनके इन प्रयासों को खूब सराहना मिल रही है।